कन्वर्जन ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू इनटू ऑर्थोग्राफिक व्यू प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ये आपका प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले इसको कैसे ड्रॉ करते हैं प्लीज मेरे वीडियो लास्ट तक देखिए। और प्लीज अगर मेरे ड्रॉ द प्रिंसिपल व्यूज ऑफ द कंपोनेंट एज शोन इन फिगर, तो ये आपका कंपोनेंट है, इसके प्रिंसिपल व्यूज निकालना। प्रिंसिपल व्यूज बोले तो इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आपको बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये एक्स एरो मार्क कहां पे दिया, ये कंपोनेंट के एक्स एरो कहां पे दिया, वो फ्रंट व्यू होता है। मींस यहां से आपको फ्रंट व्यू, यहां से देख के आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, ऊपर से आपको देख के टॉप व्यू ड्रॉ करना है, और यहां से देख के आपको साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। अगर क्वेश्चन में आपके कंपोनेंट में लेफ्ट राइट साइड आपका फ्रंट व्यू दिया है, तो आपको सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करना, फ्रंट व्यू यहां पे ड्रॉ करना है, टॉप व्यू यहां पे ड्रॉ करना है, यहां पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, यहां पे टॉप व्यू ड्रॉ करना है, और यहां पे साइड व्यू ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर आपका फ्रंट व्यू, अगर ये साइड दिया, लेफ्ट साइड दिया, तो आप फ्रंट व्यू यहां से स्टार्ट करना, राइट से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और ये साइड व्यू हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रंट व्यू, यहां से अगर आप ये कंपोनेंट को देखेंगे तो आपको इतना फिगर दिखेगा, जो मैं शेड कर रहा हूं आपको उतना ही दिखेगा, मीन्स इतना दिखेगा आपको। तो इतनी ही फिगर आपको ड्रॉ करना है। तो डायमेंशन के साथ आपको ये लाइन है 120 mm, तो 120 mm की लाइन ड्रॉ कीजिए। फ्रंट व्यू यहीं पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इसकी हाइट कितनी है, आपको यहां पे 40 mm दिया हुआ है, तो ये लाइन 40 mm ड्रॉ कीजिए ऐसे। ये दोनों एंड्स हो गए। अब ये लाइन आपको 30 mm है, तो ये भी लाइन आपको 30 mm मिलेगी, तो इसको भी आप 30 mm लाइन ज्वाइन कीजिए, यहां से 30 mm और यहां से 30 mm, ये हो गया। उसके बाद आपको यहां पे एक सर्कल टाइप आपको मिलेगा, तो उसकी कितनी है टोटल रेडियस कितनी है, 30 है, लेकिन उसका डायमीटर कितना होगा, 60 होगा, तो ये ऑलरेडी 60 mm मिलेगा आपको, देखिए। तो इसका मिडिल पॉइंट निकालिए सर्कल ड्रॉ करने के लिए। निकालने के बाद आप डिवाइडर लीजिए, वो पॉइंट से आप एडजस्ट कीजिए ऐसे, और सर्कल ड्रॉ कीजिए इतना ऊपर वाला। ठीक है, वे सेंटर पॉइंट से भी आप एक्सिस लाइन ड्रॉ करके रखिए ऐसे। ठीक है, अब यहां पर आपको सर्कल भी दिख रहा है, कि सर्कल का डायमीटर कितना है, 20 mm, तो 20 का सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको 10 mm डिवाइडर पे लेना है। एग्जैक्टली लेके आप यहां पर 20 के डायमीटर का सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, जो चीज दिख रही है फ्रंट से वही चीज उतारना है आपको। उसके बाद ये फ्रंट व्यू कंप्लीट करने के बाद आपको टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइन लेना है नीचे से। हर एक एंड से प्रोजेक्शन लाइन लीजिए, यहां पे आपको टॉप व्यू ड्रॉ करना है, और ये जो तीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये तीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उसमें आप मैं 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया हूं, तो आप आपके हिसाब से 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1.2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट में ड्रॉ कर रहा हूं, टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए ये फिगर को टॉप से देखना है, यहीं से ठहर के देखना है आपको, जहां पे फ्रंट व्यू है वहीं से ठहर के आपको देखिए, तो आपको ये ऊपर वाला सरफेस दिखेगा ये वाला, और एक कर्व वाला सरफेस भी दिखेगा, और ये वाला सरफेस दिखेगा। जो चीज दिख रही है वो पहले ड्रॉ करके रखिए। तो उसका टोटल विड्थ कितनी है, 120, ऑलरेडी ये 120 है, इसको ड्रॉ करके रखिए। तो इसकी विड्थ कितनी है, 40 mm, 40 mm ड्रॉ कीजिए यहां से और यहां से, और ये लाइन ड्रॉइंग कीजिए। ड्रॉइंग करने के बाद यहीं से ऊपर से देखें तो आपको ये रेक्टेंगल शेप दिख रहा है आपको ऊपर से, तो ये कितना है, इतना ही छेद ना, तो ये ऑलरेडी आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, तो वो आपको दिख रहा है, तो उसमें लाइन को डार्क कीजिए। अब ये शेप भी आपको दिखेगा, तो इस इतना वाला, मतलब यहां से लेके यहां तक इतना शेप, इतनी विड्थ वाली शेप आपको ऊपर से दिख रही है, तो इतनी लाइन भी डार्क कीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये वाला शेप भी दिख रहा है ऊपर से, तो ये वाला भी हो गया रेक्टेंगल शेप। अब बीच में आपको 21 लाइन है, तो 21 लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा। ठीक है,
तो ऊपर से देखने से आपको सिर्फ सरफेस दिखेगा, लेकिन ये कटआउट सेक्शन थ्रू आउट है, ये जो 21 डायमीटर का जो सर्कल है पूरा कटआउट है ये, तो कटआउट के लिए अगर ऊपर से देखेंगे तो ये चीज नहीं दिखेगी, ये कटआउट सेक्शन अंदर होता है। तो ये कटआउट के लिए दिखाने के लिए आपको ये जो लाइन जितनी है 20 mm की है ना, ऊपर से आपको ये सर्फेस दिखेगा, ये अंदर वाला नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको ये कटआउट सेक्शन दिखाने के लिए ये कितनी विड्थ है उसकी एग्जैक्टली आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि ये ड्रॉइंग के लिए जब आप रिपीट करते हैं अगर कोई फील्ड पे, तो ये समझ में आएगा कि हम कटआउट सेक्शन है, फ्रंट से देखेंगे तो टॉप से देखेंगे या साइड से देखेंगे। ये हो गया टॉप व्यू। उसके बाद आपको साइड व्यू ड्रॉ करना है, तो साइड व्यू ड्रॉ करने से पहले आपको ये वर्टिकल लाइन जो मिडिल की दिख रही है वहां से आपको 45 degree एंगल लाइन ड्रॉ करना है। मेरे पास ऑटोमेटिकली 45 degree की लाइन मिल गई। अगर आपके पास प्रोट्रैक्टर है या ये है तो 45 degree एडजस्ट कीजिए और ड्रॉ कीजिए 45 degree एंगल। उसके बाद यदि टॉप व्यू से आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना है ऊपर ऐसे 45 degree एंगल तक, फिर उसके बाद ऊपर ऐसे, फिर उसके बाद यहां से कितने भी ऐसे वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस है वहां से ही लेना है आपको। अब फिर आपको फ्रंट व्यू से भी प्रोजेक्शन लाइन लेना है, इसके टॉप से, ये सर्कल के एंड से, ये सर्कल की एंड से, ये लाइन से, कॉर्नर से, ये कॉर्नर ऑलरेडी हो गया। उसके बाद ये दोनों प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद आपको अब साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो साइड व्यू मीन्स ये फिगर को आप साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये बॉक्स दिखेगा और आपको इस लाइन वाली हाफ पोर्शन चीज दिखेगी, ठीक है। तो वही चीज देख के ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ये कितना है 40 का, तो ऑटोमेटिकली आपको 40 mm की लाइन मिल जाएगी, तो 40 mm की लाइन ड्रॉ कीजिए। अब इसकी हाइट भी 40 mm है तो 40 mm की लाइन ड्रॉ कीजिए। ये हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको इसके हाइट पे एग्जैक्टली पे राउंड वाला, ये थोड़ा हाइट पे आपको ये राउंड वाला से भी दिख रहा है ना, इतनी वाली है ना, तो एग्जैक्टली यही डिस्टेंस से आपको ये भी मिल जाएगा, दिख रहा है बोल के इसलिए डार्क कर रहे हैं इसको भी, ठीक है। फिर और एक चीज ध्यान से देखिए, साइड व्यू निकाल रहे हैं ना, तो साइड व्यू से आपको ये चीज दिख रही है, ये चीज दिख रही है, लेकिन ये कटआउट सेक्शन थ्रू आउट उसके लिए भी आपको साइड से ये चीज नहीं दिखती है। तो ये नहीं दिखती कटआउट को बताने के लिए आपको ये कितना है, यही सर्कल के दो लाइन लिए हैं हम लोग, तो इसको ही आप डॉटेड लाइन करना है। मीन्स ये डॉटेड लाइन से मालूम होगा कि ये आपका कटआउट सेक्शन है। ये हो गया आपका साइड व्यू। उसके बाद इसके डायमेंशन बताइए, ये टोटल कितना है, 120 और इसके भी डायमेंशन बताइए, 30 mm है ना, तो 30 mm। अब ये वाला कितना है एग्जैक्टली, ये 60 है टोटल, मतलब यहां से तक 60 है, तो मेरे को कितना चाहिए, इतना चाहिए। तो अगर आप आपका स्केल रखेंगे तो आपको 2 cm मिल रहा है, तो 20 mm लिख दीजिए। अब ये भी आपको 20 mm है, 20 लिख दीजिए, ये भी आपको 20 mm है, 20 लिख दीजिए, ये है आपको 30 लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहां पर भी साइड व्यू भी आपको डायमेंशन बताना है, तो एक्सटेंशन लाइन लीजिए, ऐसे डायमेंशनिंग लाइन, ये कितनी होती है एग्जैक्टली 20 मिल रही है, तो 20 लिख दीजिए, डायमीटर भी 20 है, 20, ये 30 है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका डायमेंशनिंग, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है ये प्रॉब्लम के लिए। तो होप गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशन आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।